अगर वो संथाल हितेशी ही होते तो चंपे कुड़मी थोड़ी थे, चंपे सोरेन कुड़मी थोड़ी थे, चंपे सोरेन कोयरी तेली थोड़ी थे, चंपे सोरेन भी संथाल समाज के ही बेटे थे। 3 महीना बर्दाश्त नहीं हुआ, अरे खुद तो बाहर आ गए, भाभी को भी लड़ा दिए गांडे से। हम तो बोले आप उनकी वंशावली जारी कर दीजिए और अपना सीट जारी कर दिए, काहे वहां नया लड़का लोग तैयारी करेगा। तो बर्तन मांजने के लिए झारखंड लिए है, हम लोग बर्तन मांजने के लिए झारखंड लिए हैं, हमारी बहू बेटी लोग बर्तन मांजेगी। ये राज्य हमारा है, इस राज्य में गैर राज्यों को अवसर क्यों मिलेगा? अगर उनको ये अवसर देना था, यदि एचआर बन के यूपी के लोग ही आते, ठेकेदारी करने के लिए बिहार के लोग आते, नर्स बनने के लिए उड़ीसा के लोग आते, और यदि कंपनी को चलाने के लिए बंगाल के लोग आते हैं, तो निर्मल महतो को गोली काहे चलाए थे भाई? हम वोट लेने के लिए सुदेश महतो और हेमंत सोरेन बनने नहीं जा रहे हैं। जो सही है सो सही है, जो सही है सो सही है, झारखंड के साथ समझौता नहीं करेंगे। से सवाल करता हूं, क्या पूरा समाज और एक तरफ मुख्यमंत्री, आपको नहीं लगता है अगर सच में अगर वो संथाल हितेशी ही होते तो चंपे कुड़मी थोड़ी थे, चंपे सोरेन कुड़मी थोड़ी थे, चंपे सोरेन कोयरी तेली थोड़ी थे, चंपे सोरेन भी संथाल समाज के ही बेटे थे। 3 महीना बर्दाश्त नहीं हुआ, अरे खुद तो बाहर आ गए, भाभी को भी लड़ा दिए गांडे से। हम तो बोले आप उनकी वंशावली जारी कर दीजिए और अपना सीट जारी कर दिए, काहे वहां नया लड़का लोग तैयारी करेगा? 3 महीना बर्दाश्त नहीं कर पाए ये लोग, 4 साल 5 साल, कोई हजारीबाग में चूल पका के आया है, कोई जमशेदपुर में 10 साल अप्रेंटिस का काम करके आया है, कोई धनबाद के कोयला खदानों के अंदर प्रैक्टिस करके आया है, 10 साल तक प्रैक्टिस किया है, और आप 3 महीना बर्दाश्त नहीं कर पाए, तुरंत सीएम का कुर्सी आपको चाहिए। और आके चुकी है थोड़ा सा लोग आके बहुत अच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी दिखाने भी लगे, बड़ा बड़ा दाढ़ी पका पका के, जिसे जेल में सुविधा नहीं था। मैं आपको कहूंगा ध्यान से देखिएगा, वो कहते हैं हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग है। तो माननीय हेमंत दा जो वो दिखाने के लिए दाढ़ी बढ़ाया है, पांव देखिएगा यहाँ सेविंग हुआ है, पांव देखिएगा, क्योंकि लोग आपको बताएंगे कि जेल में सुविधा नहीं थी, जेल में हमारे साथ वहां भी अत्याचार हो रहा था, गरीब आदिवासी है वहां भी अत्याचार हो रहा था। ध्यान से उनके पांव को देखिएगा, ईमानदारी से बोल रहे हैं, आप चेक कीजिएगा पांव का सेविंग हुआ है। ये दिखाना होगा ना भैया, आप नोट नहीं किए, आप भावनाओं में बह गए कि चलिए बाहर आ गए हैं। ठीक है, उनके प्रति अगर जेल में थे हमारी भी हमदर्दी है, लेकिन अगर वो राज्य को छलने का काम करेंगे, केवल अपने परिवार का जेब भरने का काम करेंगे, तो हम हेमंत से भी सवाल करेंगे, अर्जुन मुंडा से भी सवाल करेंगे और सुदेश महतो से भी सवाल करेंगे। आपके साथ अगर अन्याय होगा तो हमदर्दी रहेगी। आपके साथ ईडी ने आपको परेशान किया, हमदर्दी हमने दिखाई कि भाई ईडी खाली विपक्ष के पास ही क्यों है, वो पक्ष वालों के पास क्यों नहीं है, बीजेपी के लोगों के पास क्यों नहीं? बिल्कुल, हमने हर बार इंटरव्यू कहा, लेकिन आप आकर दिखाएंगे बड़ा बड़ा दाढ़ी और पांव सेव करके आएंगे तो जनता को तो बताएंगे। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।